जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपका अगर किसी भी तरह का डांस एकेडमी है और आपको डांस एकेडमी का लाइसेंस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे डांस एकेडमी ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस कैसा दिखता है, वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, वो लाइसेंस आपको कितना दिन में रिसीव होगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दो सर्टिफिकेट हैं। ये एक हमारा कस्टमर थे जिनका हमने लाइसेंस अप्लाई किया था और वो लाइसेंस रिसीव हो गया है। तो मैं आपको वन बाय वन लाइसेंस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम उद्यम सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं। तो देखिए डांस एकेडमी का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह दिखता है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए आपका डांस एकेडमी का उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा, उसके नीचे आपका डांस एकेडमी का नाम, उसके नीचे आपका डांस एकेडमी का डिटेल्स रहेगा, उसके नीचे आपका बिजनेस डिटेल्स रहेगा। देखिए आपका डांस एकेडमी का डिटेल्स रहेगा, ठीक है। उसके नीचे आपका कौन सा ऑफिस से ये इशू हुआ है वो मेंशन होगा, और साइट पे देखिए एक लोगो रहेगा। तो इस तरह का होता है डांस एकेडमी का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है ISO सर्टिफिकेट, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ISO सर्टिफिकेट इस तरह दिखता है। देखिए सबसे ऊपर आपका डांस एकेडमी का नाम, उसके नीचे एड्रेस, उसके नीचे आपका बिजनेस क्या है वो मेंशन होता है, उसके नीचे आपका सर्टिफिकेट का नंबर, कौन सा डेट पे इशू हुआ है और कौन सा डेट पे एक्सपायरी होगा वो मेंशन होता है। ये जो ISO सर्टिफिकेट होता है ये 3 साल 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, और आफ्टर 3 ईयर वो लाइसेंस आपको रिन्यू करने की ज़रूरत होगा। तो देखिए इधर पे देखिए सिग्नेचर होता है। देखिए इस तरह होता है ISO सर्टिफिकेट। और ये जो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, और ये जो ISO है ये 3 साल के लिए वैलिड है। और इसके साथ साथ आपको आपका जो भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का आपको ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस भी लेना होता है। हमारा क्लाइंट ने ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस ले लिया था, बस ये दो लाइसेंस उनका पेंडिंग था तो हमने बना दिया है। ये दोनों लाइसेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है ये दो लाइसेंस। आप इंडिया में कोई भी स्टेट पे आपका डांस एकेडमी ओपन करो, ये दोनों लाइसेंस आपको लेना कंपलसरी है। और आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस आपको लेना होगा। टोटल ये 4 लाइसेंस लगता है। अगर आपका बिजनेस 20 लाख से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको GST लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टार्टिंग में आपको GST लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दो लाइसेंस के साथ साथ आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस आपको अप्लाई करना होगा। वो भी हम अप्लाई करते हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट हो, हम ऑल ओवर इंडिया का डांस एकेडमी का लाइसेंस अप्लाई कराते हैं। और ये डांस एकेडमी अप्लाई के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप रेंटल पे आपका डांस एकेडमी ओपन किए हो तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी पे डांस एकेडमी ओपन किए हो तो उस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो एक देना पड़ेगा। ये सभी डिटेल्स लेके हम आपका डांस एकेडमी का लाइसेंस अप्लाई करके आपको इस तरह व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालना होता है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर हमको सेंड कीजिए, हम आपका डांस एकेडमी का लाइसेंस अप्लाई करके आपको सेंड कर देंगे। ये दोनों जो लाइसेंस है ये आपको 2 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। और आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस होगा वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपका स्टेट कौन सा है, और उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस कितना दिन में रिसीव होगा। तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए और आपका डांस एकेडमी का लाइसेंस अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।